हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज बृहस्पतिवार है, सुबह के बज रहे हैं 9:30। मतलब मैं डेढ़ घंटा पहले ही आ गया था जिम में और ऋतिक अभी आ रहा है, तो इसलिए मैं कुछ दिखा नहीं पाया ब्लॉग में और मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग भी नहीं की। तो अभी कर रहा हूँ ब्लॉग की स्टार्टिंग और मेरा तो ऑलमोस्ट सब एक्सरसाइज हो गई है मेरी, बस ऋतिक की बाकी है। तो ऋतिक का थोड़ा फुटेज लेंगे, आप लोग एंजॉय करो ब्लॉग। चलो यार, ये लोग अपने जिम के ट्रेनर्स हैं, देख लो। ये सबसे मतलब सीनियर ट्रेनर दूधा सब कुछ और। अरे हाँ, जिम का टूर कर, जिम का टूर वूर नहीं, तुम पहले कुछ एक्सरसाइज कर। ओ कर हर मैदान फतेह। ओ तीका भाई है, 14-15 साल का है लेकिन जिम कर रहा है। हालांकि अभी अलाउ नहीं होता इस उम्र में, बट फिर भी कर रहा है बंदा। एक कितना कितना कैलोरी तुम करेगा आज? 200। झूठ बोल रहा है। 200 चेहरा दिखा है अपना। और सुन ऋतिक, हम ना निकलते हैं, ठीक है? क्यों? फोन आया था घर से कि काम है थोड़ा, तो निकलते हैं हम। अच्छा। तुम कर एक्सरसाइज। ओके, बाय बाय। कल जल्दी आ जाना भाई, लेट मत कर। हाँ ठीक है, हर दिन तुम लेट करता है। फिर मेरा कोई वीडियो नहीं लेता और ब्लॉग में नहीं डाल सकते हम, तो चलते हैं। चलो बाय बाय बाय। दीदी सैनिटाइजर दो तो। और ये अपना पीनट बटर। हे यार, सो मैंने लास्ट 2 दिनों से नहीं नहाया था। आप लोगों को रीज़न मैंने ऑलरेडी बता दिया था, बिकॉज पानी की तंगी हो रही थी। सो अभी नहाने जा रहा हूँ। तो यार मैंने नहा लिया, एकदम मस्त फ्रेश फीलिंग आ रही है, ठीक है? 2 दिनों से नहीं नहाया था तो अभी नहाया तो मस्त मज़ा आ रहा है, एकदम हल्की हल्की लग रही है बॉडी पूरी। और अभी अपना प्रोटीन शेक पियेंगे अपन, देखो रेडी है एकदम, स्मूदी जिसको बोलता है। अभी मैं जिम मतलब स्कूटी से जा रहा था, ठीक है, 2-3 दिन। और पहले जब मतलब मैं जा रहा था तब ऋतिक के साथ जा रहा था, बट अभी उसके साथ उसका भाई जा रहा है, अपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा। तो मेरे लिए अभी उसके बाइक में जगह नहीं है, तो अभी मैं स्कूटी में जा रहा था। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं साइकिल में जाऊँ, ठीक है? बिकॉज स्कूटी में जाने का फ़ायदा फिर तो कुछ नहीं है। आप जिम जाते हो, स्कूटी से आना जाना होता है, तो फिर मतलब क्या फ़ायदा? उससे अच्छा आप साइकिल में जाओ तो थोड़ा काम करेगा। मैं सोच रहा हूँ साइकिल में ही जाऊँ, बट मेरी साइकिल नहीं है अभी। मेरी साइकिल थी, बट क्या हुआ कि 12th की एग्ज़ाम मैंने कम्प्लीट की, ठीक है, एग्ज़ाम कम्प्लीट की और मैंने साइकिल मैंने बेच दी। बिकॉज मतलब मेरा फोकस था कि मैं 12th के बाद मैं कोलकाता जाऊंगा पढ़ाई करने, और मैंने कोलकाता में ही मैं मतलब ऐसे पढ़ाई कर रहा हूँ, कॉलेज मेरा कोलकाता में ही है, बट ड्यू टू कोविड एंड अभी कॉलेज नहीं खुला तो बाकुड़ा में ही हूँ। तो मैंने सोचा, घर वालों ने भी सोचा था कि तुम तो कोलकाता में ही पढ़ेगा तो साइकिल फालतू रख के क्या करेगा, फालतू पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएगी, तो साइकिल फिर बेच दी। बट अभी सिचुएशन ऐसा है कि मतलब बाकुड़ा में ही रह रहा हूँ पिछले 1-2 साल से, तो साइकिल की ज़रूरत है। शंभू की साइकिल है लेकिन, बट उसकी साइकिल में भी पड़ी पड़ी ख़राब हो रही है, बिकॉज उसका भी ट्यूशन स्कूल खुल नहीं रहा, ठीक है? और ब्रेक फ्रेक, वैसे मतलब ब्रेक फ्रेक उसका ही प्रॉब्लम है, तो ब्रेक फ्रेक ठीक कराएंगे उसका और फिर साइकिल में जाऊंगा मैं जिम। तो बस, और अभी मैं अपना प्रोटीन शेक पीता हूँ। 3 hours later यार, हम लोग अभी रानी को लेकर आए हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने फिलहाल तो मेडिसिन लिख के दी है यहाँ पे, वो मैं आपको घर जाके अच्छे से दिखाऊंगा, रानी की किताब है ये। तो रानी ठीक हो जाएगी, इसका बहुत सारा अभी प्रॉब्लम बढ़ गया है। मतलब शैम्पू कराया था लेकिन फिर भी बहुत सारा जगह में स्पॉट बढ़ गया है, तो सोचा कि दिखा के आते हैं। तो चलो दिलंदा, तो देखो ये वाला है पशु चिकित्सालय। गाड़ी में आए थे हम लोग, गाड़ी में अपनी बैठ जाएगी वो। चलो यार, घर पहुंच गए। रानी डार्लिंग राह देख रही है कि गेट खोले और कब बाहर निकले। बेचारी को कैसा हो गया यार स्किन में, ठीक हो जाएगी रानी अब तुम। अब इसका शैम्पू और डॉक्टर ने पूछा क्या क्या लिख के दिए। डॉक्टर ने लोशन और शैम्पू लिख के दिए, खत्म। हाँ ये रहा देखो, ये माइकोडीन शैम्पू और ये कोई लोशन लिख के दिया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर शॉप में जाऊंगा और लेके आऊंगा,
और ये मतलब जो जहाँ पे गए थे ये गवर्नमेंट का है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स होते हैं एकदम। बिकॉज़ बागा की जो हालत हुई थी 2 साल पहले, मतलब बागा मरने वाला था, मतलब हम लोग जस्ट मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उसको भगवान अब ले जाओ, बिकॉज इतनी उसको पेन हो रहा था, इतना पेन, वो मतलब पैरालिसिस जब हो जाता है ना लोगों, मतलब कैसे हो जाता है, तो मतलब उठ नहीं पाते, और अगर उठ जाते हो जैसे तैसे करके तो बैठ नहीं पाते, तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी। तो बेचारा मतलब पूरा दिन रोता रहता था, चिल्लाता रहता था, ठीक है, मतलब उठ ही नहीं पाता था, और जैसे तैसे करके अगर उठ जाए तो बैठ नहीं पाता था, चल तो नहीं पाता था, तो उसको उठा उठा के ले जाते थे हम लोग। मेरे पास वीडियो था, बट अब मैं देखना पड़ेगा मेरे पास अभी है कि नहीं, पहले वाले फ़ोन में था मेरे पास वीडियो, तो वो वीडियो देख के आपको लगेगा कि यार मतलब कैसी हालत हो गई थी बागा की। हम लोग मतलब भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान आप उसको ले जाओ, उसको मतलब उसको शांति मिले बस, बट फिर भी हमने हौसला नहीं छोड़ा, हम लोग ने डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ये ठीक नहीं हो पाएगा, डॉक्टर ने ये बोला, बट हम लोग ने फिर भी बोला कि सर ठीक है नहीं हो पाएगा तो वो अलग बात है, बट आप फिर भी कोशिश करके कोई मेडिसिन दो या कुछ ऐसा, मतलब कोई भी आप मेडिसिन या इंजेक्शन कुछ भी आप ट्राई करके देखो, ठीक है, मतलब लास्ट ऑप्शन तो फिर वही है डेथ। तो फिर उन्होंने मेडिसिन या मतलब बहुत कुछ करके दिया और हम लोगों ने खिलाया पिलाया अच्छे से, ठीक है, तो बागा भी देखो कितना चंगा हो गया है। रानी हॉस्पिटल में गई थी ना, हॉस्पिटल था अभी एक ही आज, जो दवाई लाके दे दी है मेडिसिन। बागा को बैठने नहीं मिला ना गाड़ी में, तो इसलिए वो चिल्ला रहा है अभी भी। मैं ही बोल रही है चल दिखने के लिए, कौन चिल्ला रहा है, बागा चिल्ला रहा है। तो रानी का शैम्पू और लोशन ले लिया, अभी चलते हैं घर। पहुंच गया और अंकल मिही के लिए कुछ लेने जा रहे हैं। हमारी मिही के लिए फ्रूटी। वाह, मिही फ्रूटी भी है कि तुम ज़्यादा फ्रूटी पिएगी ना तो पेट मोटू हो जाएगा। नहीं होगा, मेरा होगा, मेरा तो मोटू है, देखो मेरा तो पेट मोटू ही है। तुम चाहती हो तुम्हारा पेट भी मोटू हो जाए मेरे जैसा? तो फिर मैं नहीं हूँ मोटू, मेरा पेट मोटू है, मैं मोटू नहीं हूँ। सो यार शाम के 5 बज रहे हैं और हम दोनों भाई जा रहे हैं साइकिल ठीक करवाने शंभू की, उसकी साइकिल से ही मैं जिम जाऊंगा, तो शंभू की साइकिल देख लो कैसी है, देखो कैसी हालत में, देख लो मतलब जंग लगा हुआ है। भाई साहब ये साइकिल लेके आऊँगा तो पीछे तो कादा उड़ जाएगा, धीरे धीरे चलाना पड़ेगा, तो कहीं यहाँ पे घिस रहा है ना ये, तो अरे वो इतना चलाना, तू चला के देख, टाइट लग रहा है पीछे का, ऐसे ही जाना और क्या, ऐसे जाऊंगा ना तो मर जाऊंगा, बाप रे बाप रे, बहुत टाइट है। तो गियर वन में कर, इजी होगा। गियर वन का बात नहीं है, ये यहाँ पे अड़ रहा है, देखो जूम करके दिखा, ये देखो यहाँ पे ब्रेक तो यहाँ पे अड़ रहा है, इसलिए टाइट लग रहा है। चल ये स्टॉप में लेके आते, चलो आ रहे हैं हम लोग दोनों भाई जा रहे हैं, और बारिश हल्की फुल्की गिर रही है यार। तुम लोग कहाँ गए थे? हाँ, सी लेदर, वाह वाह, अरे तो यहाँ पे जम मरने एक बार मजा आ जाएगा। बड़ा हरामी हो बेटा, मारो मारो जम मारो जम मारो। टाटा, आशीष के साथ निकला था बाहर और भी रास्ते में मेरे को ऋतिक मिल गया। देखो यहाँ बैठे क्या कर रहे थे इधर? मैगी खा रहे थे, मैगी मैगी। यही नहीं, अभी और सुनिए, तुम बाथरूम जाएगा तो ब्लॉग नहीं मारते है। बाथरूम जाके तुम वीडियो करता है, तुम रील्स बनाते बाथरूम जाके? हाँ बोल, ठीक है बोल बोल क्या तेरे को बोल रहे तू ब्लॉग बनाता है? नहीं नहीं, कौन सा ब्लॉगर है जो बाथरूम में ब्लॉग बनाता है मेरे को बताइए। टट्टी कर रहा हूँ, बोलना पड़ेगा तेरे को, टट्टी कर रहा है भाई। हगते वक्त मैं ब्लॉग बनाऊँ? हगते वक्त मैं ब्लॉग बनाऊँ, ये कौन सा लॉजिक है भाई? कौन देखेगा मेरा ब्लॉग? अनसब्सक्राइब कर देगा लोग। कट इट कट इट। तो यार रानी डार्लिंग के पास हूँ अभी फिलहाल, तो
रन डार्लिंग, अब ठीक हो जाओगे जल्दी। हाँ बेचारी कैसी हो गया, स्किन कैसा लग रहा है, देखो बुरा लगता है यार, बिकॉज ये बेजुबान जानवर होते हैं ना, कुछ बोल भी नहीं पाते। देखो कैसा हो गया, देखो इन लोग का यही मतलब सबसे ज़्यादा खराब लगता है कि ये लोग कुछ बोल नहीं पाते, जस्ट ये लोग फील करते हैं, कोई भी पेन हो कुछ हो, इसको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, बिकॉज पूरा बॉडी में इसको इचिंग हो रही थी। बहुत प्यारी है अपनी रानी, दवाई ववाई लेके आ गए रानी, ठीक हो जाओगी तुम। इन लोग को बस प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए और कुछ नहीं, हर दिन बस एक ही खाना दोगे तो भी इन लोगों को चलता है, बस इन लोगों को प्यार करो। लोग इन लोग को मारते कि मेरे को नहीं पता है ना रानी, क्या करते हैं ये लोग, नहीं करना चाहिए ऐसा, जो कितने प्यारे हो तुम, मारना नहीं चाहिए, प्यार करो, अगर प्यार नहीं कर सकते तो छोड़ दो, मारने की ज़रूरत नहीं है। घर पे अभी भजन चल रहा है, भजन। अच्छा मैंने भी वीडियो स्टार्ट किया ना तो इसलिए अभी बोल रही है। मेरी डार्लिंग सो रही है, और इधर शंभु अपने काले काले पाँव के साथ पढ़ाई कर रहा है। दीदी बात कर रही है किसी से। क्या कर रहा है तुम? वो मीम्स देख रहा है, देखो देखो। ये सो रात के बज रहे हैं 11, अराउंड 11, हाँ 11 बज रहे हैं, और ऊपर सब कोई सो चुके हैं और शंभु फ़ोन काट रहा है जैसे कि आपने देखा अभी, और मैं भी अभी सोने वाला हूँ, मतलब वीडियो एडिटिंग करूँगा उसके बाद सो जाऊँगा और कल ब्लॉग अपलोड करूँगा। और कल मैं जिम नहीं जा पाऊँगा बिकॉज कल ऋतिक के साथ मुझे दुर्गापुर जाना है, उसकी बाइक की सर्विसिंग करवाना है, बिकॉज बांकुड़ा में सुजुकी का सर्विस सेंटर नहीं है और शोरूम भी नहीं है, पहले था बट अभी नहीं है, ठीक है, पता नहीं रीज़न क्या है बट नहीं है। तो दुर्गापुर जाएंगे, यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर्स होता है, सो उसके साथ जाऊँगा उसकी कंपनी देने के लिए बाइक में। तो आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और यार काफ़ी खुश हूँ बिकॉज आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। 300 सब्सक्राइबर्स विद इन 2 months हम लोग बोल सकते हैं, 2 या 2.5 months, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू, बाय।